हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम लोग इंटीग्रेशन के थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने बेसिकली जब एप्लीकेशन का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, तो मैंने वहां पे बताया था आपको कि हम लोग को बेसिकली तीन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का पढ़ना होता है। फिलहाल क्या क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि सी का कैसे वैल्यू निकाला जाए। सी का वैल्यू निकालने का मतलब क्या, हम लोग देखते हैं क्या कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम लोग एक जनरल कांस्टेंट टर्म सी को लगा देते हैं। तो पहला एप्लीकेशन में कंसेप्ट यही था कि इस सी का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालना, मैंने उस वीडियो में आपको बताया समझाया। फिर हमने सेकेंड वीडियो में क्या देखा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उसके अंदर अगर परफेक्ट कंडीशन दे दिया जाए तब कैसे कंज्यूमर सरप्लस को मेजर किया जाए, अगर मोनोपोली दे दिया जाए तब कैसे कंज्यूमर सरप्लस को मेजर किया जाए। और बेसिक क्वेश्चन इन्हीं मतलब इंटीग्रेशन से मान के चलिए एक या दो क्वेश्चन अगर 15 का पूछा जाता है तो 15 का या 20 का पूछा जाता है तो 20 से आना है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि लेट द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बी पीएम बराबर इतना। पीएम बोलने का मतलब क्या, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बराबर कितना दिया है, तो ए बी बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी। बोलता है सो दैट डिमांड फंक्शन इज पी बराबर इतना। और हमेशा याद रखना है, जब भी आप डिमांड फंक्शन इकोनॉमिक्स में डील करोगे मतलब पी को निकालना है, ठीक है ना। तो यही हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक, अगर आपने अभी सारी वीडियो को रिकॉल किया है और आपसे एक गुजारिश है आप उन सारी वीडियोस को देखें, रिकॉल करें, क्योंकि ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है। यूट्यूब से बेसिक कुछ मिलता ही नहीं है, एकदम एक साल नियर अबाउट होने जा रहा है बट $100 भी नहीं हुआ अभी तक, तो समझिए कुछ नहीं मिलता है। नवंबर 2018 में हमने स्टार्ट किया था और अभी होने जा रहा है फरवरी 2020, तो कितना लंबा सफर है और $100 कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी एक मजा आता है मैथ पढ़ाने में, फील होता है अच्छा, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया। तो बेसिक आप लोगों के लिए किया जा रहा है, अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो शायद मेरा मेहनत वेस्ट हो रहा है, तो उसको देखिए, सारे वीडियोस को देखिए, एक लाइन से देखिए, तब मजा आएगा, क्लियर है बात। तो चलिए अभी इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, और एकदम प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे कैसे बनाना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए हमको क्या निकालना है, पी। और अगर आप रिकॉल करें कि कोई ऐसा फॉर्मूला जहां पे पी का यूज किया गया हो, तो बहुत सारा फॉर्मूला है बट एक छोटा सा फॉर्मूला है जहां जो है पी आर बराबर पी इंटू क्यू। अब अगर आप इसमें याद करो, इलास्टिसिटी में भी आता है लेकिन वहां पे डिफरेंशिएशन का लो, चाहे पी बाय एक्स, तो वहां से बहुत लचा हो जाएगा, ईडी निकालना होगा। लेकिन मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इनटू क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, कुल आय बराबर प्राइस, जितना प्राइस है और जितना क्वांटिटी को बेच रहे हैं। यहां से हमको किसका वैल्यू निकालना होगा, तो हमको पी का वैल्यू निकालना होगा। पी बराबर क्या आ जाएगा यहां से हम लोगों को, तो टी आर बाई क्यू। अब समस्या क्या आ गया कि भाई साहब अगर आपको पी का वैल्यू निकालना है तो पहले टोटल रेवेन्यू निकालना है, और ये पी क्यू को आप एक्स भी लिख सकते हो, तो जहां पे अगर यहाँ पे एक्स दिया है तो टी आर बाई एक्स हो जाएगा पी का वैल्यू। तो अब समस्या क्या आ गया, समस्या आ गया हम लोगों के सामने कि टी आर का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो चलिए अब फिर से रिकॉल कीजिए, और ये सारी बातें मैंने बहुत बार बताई है, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आपको मार्जिनल से टोटल जाना रहे, पहले टोटल से अगर मार्जिनल आना है या टोटल दिया रहे और मार्जिनल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल को डिफरेंशिएट कर देते हैं तब मार्जिनल मिलता है। मार्जिनल बोलने का मतलब क्या, एडिशनल, टोटल में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, टोटल इतना था उसमें इतना इंक्रीमेंट आया या डिक्रीमेंट आया, मार्जिनल वो बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल को डिफरेंशिएट कर देते हैं जो वेरिएबल उसमें रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अब उल्टा अगर मार्जिनल कुछ भी दिया रहे, ध्यान रखिए मैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट ये यूज नहीं कर रहा, मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा कि अगर टोटल दिया है मार्जिनल दिया है,
अगर मार्जिनल दिया है तब क्या करे, अगर टोटल दिया है तब क्या करे, टोटल कुछ भी हो सकता है, वो टोटल कॉस्ट हो जाए, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए, टोटल रेवेन्यू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि टोटल दिया है डिफरेंशिएट करेंगे मार्जिनल आएगा, मार्जिनल दिया है उसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। और ये सब बेसिक बातें हमने बहुत बार सीखी हुई है, सो आई होप कि आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो याद करने का कोशिश कीजिए, अभी समझने का कोशिश कीजिए ताकि बना पाए। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं इसे। देखिए अब हमारा अप्रोच क्या होगा, हमने तो देख लिया कि p बराबर tr by q होता है, तो चलिए tr by x या tr by q आप जो बोलो। अब हमको tr निकालना है, tr is equal to क्या हो जाएगा, तो integration of marginal revenue। अब बात आता है marginal revenue क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे clearly कि marginal revenue is equal to ab by x plus b का होल स्क्वायर माइनस सी इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्लियर, अब इसको सॉल्व करना होगा मेरे को, तो ये टूट के दो पार्ट में पड़ जाएगा, किसमें, तो पहला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए बी बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी। अब ये क्या होगा, ए बी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया तो ऊपर जाएगा, तो x प्लस बी का पावर माइनस टू डी एक्स माइनस, या फिर डायरेक्ट आप इसका वैल्यू लगा दो सी एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट आएगा d, हमने उसको d नेमिंग कर दिया क्योंकि यहाँ पे c यूज हुआ है, तो हम लोग कुछ और नेम कर देते हैं d। आगे अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एग्जामिनेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे 20 नंबर का रहता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आपको कैसे याद रखना है, तो थोड़ी देर में हम लोग वो भी समझेंगे। तो अभी देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हैं, यहां लिखते हैं लेट x प्लस बी बराबर, क्या करते थे, जहां पे एक से ज्यादा टर्म रहता था उसको कोई एक वेरिएबल मान लेते थे, तो x प्लस बी बराबर यू हमने मान लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था, dx का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालते थे dx का वैल्यू, तो डिफरेंशिएटिंग, एकदम सब्स्टिट्यूशन में ये सब क्लियरली बताया गया, प्लीज उन वीडियोस को देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ बी दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे उसका वैल्यू वन, कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे उसका वैल्यू जीरो, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन ही हो जाएगा इधर, वन डी यू बाई डी एक्स, और हमारा यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगा कि डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। अब हमारे को dx का वैल्यू आ गया, और dx का वैल्यू दो स्टेप होता था, तीसरा स्टेप करते थे जब x का वैल्यू यहाँ बच जाता था, तो देखते हैं अब हमारा क्या आता है, रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a भी तो बाहर है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम u का पावर माइनस टू, और dx का जो भी वैल्यू आया उसको रखेंगे, dx बराबर du आया तो यहाँ पे du को रखेंगे, प्लस यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहे थे तो देखिए हमारे को माइनस सी एक्स पहले से ही आया था, तो यहाँ पे हम लोग माइनस सी एक्स और एक कॉन्स्टेंट d लगा दिया है हमने, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटीग्रेशन ऑफ यू का पावर माइनस टू, क्या होता है पावर वन ऐड हो जाता है बाय एन प्लस वन, याद करिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन बराबर एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन होता था, तो यू का पावर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन माइनस सी एक्स प्लस डी,
ये क्या हो जाएगा, तो ए बी इंटू यू का पावर माइनस वन बाई माइनस वन माइनस सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा ए बी बाई यू का पावर माइनस वन जो है उसको नीचे लाएंगे तो यू का पावर वन हो जाएगा माइनस सी एक्स प्लस डी। और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो माइनस ए बी। अब बोलोगे यहाँ कांस्टेंट हमने क्यों नहीं लगाया, पहले ही एक कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू होगा। सपोज करिए यहाँ पे हम f लगा देते हैं, d प्लस f बराबर कोई नया कांस्टेंट आ जाता, सपोज करिए जो नया कांस्टेंट आता वही d है, कांस्टेंट है ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया, फाइनल कांस्टेंट तो लगा हुआ है सारे टर्म के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या आया है, टोटल रेवेन्यू। अब बात समझिए, एग्जामिनेशन में आपको याद कैसे रखना है, आप सपोज करिए मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, एक्स प्लस बी का माइनस टू पावर का, आप इसको एक वेरिएबल मान लीजिए, क्या परेशानी है, यू मानते हैं यू का पावर माइनस टू है, तो कैसे बनाएंगे, यू का पावर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन, सिंपल भाषा में क्या हो जाएगा, तो u का पावर माइनस वन बाई माइनस वन, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई यू। लेकिन बात आता है क्या हरदम यही करेंगे, नहीं ऐसा मत करिएगा, यहाँ पे आप u का वैल्यू तो बैठाइएगा ही, लेकिन साथ में आपको ध्यान देना है जो भी x का कोफिशियंट हो, यहाँ पे तो x का कोफिशियंट वन है तो आपको वन से नीचे में डिवाइड करते जाना है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन b माइनस एक्स दे देता तो बहुत भयानक फर्क पड़ जाता, तब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देते, b माइनस एक्स अगर को इंटीग्रेट करना रहता तो सब कुछ वैसे ही रहता, लेकिन यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो बस इसका पैटर्न क्या, सिंपल जैसे आप सॉल्व करते हो पावर को वैसे सॉल्व करो, बाय डिवाइड में नीचे में क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो पावर का प्लस वन ऐड करने के आ रहा है उसके साथ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये बात कि कैसे हुआ, नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन बनाइए, वहां भी मैंने ये चीज उसको बताया, फिर समझ में आएगा। तो अब देखिए परेशानी क्या था, हमको पता था p बराबर tr by x, tr बराबर कैसे निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया रहा है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं तो निकल जाता है, हमने tr निकालने का प्रयास किया, tr निकला और हम उसको सामने वाले को बोलते भाई साहब माइनस ए बी बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी। तो सामने वाला तो खुद उसी आ रहे, वो बोलेगा भाई साहब d का मतलब क्या होता है, कुछ फिक्स वैल्यू बताओ, ये तो हमको ठग रहे हैं, ये तो जनरल tr बता दे रहे हैं, हम कैसे आपको x का वैल्यू जनरल देंगे, मतलब स्पेसिफिक देंगे, हम भी आपको x का वैल्यू जनरल कोई दे देते हैं तब आपको प्रूव नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे तब हम मेरे को कोई एक फिक्स tr निकलेगा, और जैसे ही फिक्स tr निकलेगा तो p फिक्स tr पे p का जो वैल्यू होगा वो खुद प्रूव हो जाएगा। तो अब इस tr को कैसे लाते हैं, उसका कंसेप्ट मैंने क्या बताया था आपको देखना होगा, अगर आपने ये सारी चीजों को नहीं देखा प्लीज जाइए और देखिए इससे पहले वाली वीडियोस, मैंने इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट बनाया है ताकि आपको और आसानी से समझ में आए बात। देखिए मैंने कंसेप्ट बताया था बहुत ही शांति एवं स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि tr आपको जब भी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो ये कंसेप्ट है कि एट x बराबर जीरो जब हम कुछ नहीं बेचते हैं तो मेरे पास i मेरे को कितना मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है टोटल रेवेन्यू भी उस समय जीरो हुआ होगा। तो अब टोटल रेवेन्यू को अगर हम जीरो कर दें, ये साइड कब जीरो होगा, जब इधर x का वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं x के जगह जीरो रख देते हैं, जीरो प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c इंटू जीरो प्लस d, ये क्या आ जाएगा, तो माइनस ए बी बाय tr, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा एक्चुअली u था, तो u तो x प्लस बी हमने माना था तो x प्लस बी उतरेगा, तो 0 प्लस बी माइनस ये तो 0 हो जाएगा प्लस बी, बी बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस डी। तो यहां से मेरे को क्या पता कि कौन पता चला कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, डी बराबर ए। अब जैसे ही कांस्टेंट निकल गया हम उसको सामने में तन के क्या बोलेंगे कि भाई साहब tr बराबर क्या है, तो tr बराबर है माइनस ab बाय x प्लस b माइनस cx प्लस a।
क्लियर बात है। और हमको देखिए एक स्टेप हम लोग और नजदीक पहुंच गए हैं। P बराबर क्या था? TR by X, TR का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है? सिर्फ X से डिवाइड करना है। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे, we know that TR is equal to P into X, so P बराबर 1 by x into tr, जो कि tr by x ही आएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 by x into tr का वैल्यू कितना आया? माइनस ए बी बाई एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस सी एक्स। ये जो सी एक्स है उसको एकदम साइड में रहने दे। क्यों रहने दे? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नीचे में x है, तो ये x तभी हटेगा जब ऊपर से x कॉमन आएगा। तो इसमें तो x ऑलरेडी है, तो कॉमन लेंगे तो इससे तो निकल जाएगा बस। बट इस दोनों को सॉल्व करना है, इस दोनों टर्म को, ये ऊपर में इस दोनों में x किसी तरीके से लाना है। तो देखते हैं कैसे लाया जाए। ये क्या हो जाएगा? तो 1 by x minus ab by x plus b, अगर हमने LCM ले लिया तो, plus a into x plus b minus cx। इसको और अच्छे से सॉल्व अगर करें तो माइनस ए बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी माइनस सी एक्स बाय एक्स प्लस बी। ये ध्यान दे, इधर इसको मत खींच दीजिएगा। अब माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा? तो वन बाय एक्स ए एक्स बाय एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एक्स ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? a by x plus b minus c, x x cancel हो गया, p का value हमारा क्या निकल गया? तो a by x plus b minus c। तो बहुत ही सिंपल सा दिमाग में बैठाना क्या, बस दो तीन स्टेप है। पहला स्टेप क्लियर करना, p बराबर निकाला कैसे जाए। तो p बराबर tr by x से निकाला जाएगा। tr अब कैसे निकाला जाए? तो यहाँ मार्जिनल दिया हुआ, इंटीग्रेट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना है। क्लियर है? और जैसे ही टीआर का वैल्यू मिल जाए मेरे को, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के, फिर यहाँ पे क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है बस। आप वैसे भी करोगे, बनाओगे तो बन जाएगा, बट यहाँ पे इजिली बन जाएगा। क्या एलसीएम किसके साथ ले? तो सिर्फ कॉन्स्टेंट के साथ इधर लाएंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे। जिसमें एक्स पहले से रहे उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको साइड में रहने देंगे। So, I hope आपको क्लियर हुआ हो। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा, जस्ट रिकॉल करेंगे तुरंत से। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, मैं बस ये आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, तुरंत हो जाएगा। क्या है? लेट द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बी एम आर बराबर 6 by q + 2। पहला आंसर क्या किया? x के जगह q दे दिया, बाकी कुछ नहीं है, सारा चीज सेम है। बोल रहा प्रूव करिए डिमांड फंक्शन दैट इज p बराबर इतना। तो खुद माइंड में सोचना है कि अरे भाई कौन सा फॉर्मूला है जहां पे मेरे को q और tr के बीच में कुछ यूज होता है। तो tr बराबर q इंटू p और p बराबर tr by q यहां से मिल जाएगा। अब बात आता है tr कैसे निकाला जाए। तो tr is equal to क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ mr। और इंटीग्रेशन ऑफ mr मतलब किसका इंटीग्रेशन? क्या दिया हुआ है? तो 6 by q + 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 dq का इंटीग्रेशन। और इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन ऑफ 6 by q + 2 का होल स्क्वायर माइन डीक्यू के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dq। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा? 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बच जाएगा? तो 1 by q + 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो डीक्यू का इंटीग्रेशन। अब इसको फिर कैसे सॉल्व करें? तो लेट q + 2 बराबर u, ये क्या हो जाएगा? 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by u^2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u^-2 dq का इंटीग्रेशन माइनस 5
इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू मैंने बहुत ही स्पष्ट बताया था जब मैं ये बता रहा था पहले वीडियोस में कि अगर डी क्यू है तो क्यू, डी जेड है तो जेड, डी एक्स है तो एक्स, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो है नहीं, यहाँ पे सी लगा देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा तो 6 इंटू कैसे सॉल्व करते हैं, यू का पावर -1 -2 +1 -2 +1। जैसे हम लोग बनाते हैं अगर नहीं तो चलिए सब्स्टिट्यूशन को कैरी करते हैं, तो हम मानने के बाद क्या कर देते हैं हम लोग, तो मानने के बाद हम लोग यहां पे लिखिएगा इसको एक्चुअली, लेट क्यू प्लस टू बराबर यू, इसके बाद डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते थे वहां पे डी एक्स का निकालते थे, यहाँ पे डी क्यू का निकालेंगे, डिफ्रेंसिएट करेंगे बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, यहां तो x है नहीं तो गलती से मत लिख दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में, यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड q के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, d by dq of q plus 2 is equal to du by dq, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो d by dq of q plus d by dq of 2 is equal to du by dq, q का q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 1 2 का 0, तो 1 plus 0 तो 1 ही रहेगा, तो 1 is equal to du by dq हमारा आ गया, और ये क्या हो जाएगा यहां पे, तो du बराबर dq, तो अब देखिए ध्यान से यहां पे कि dq का वैल्यू आ गया, तो इस dq के जगह वैल्यू जो आया उसको पुट करेंगे तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, या फिर टोटल रेवेन्यू, तो 6 इनटू यू का पावर -2 और dq बराबर du, तो लिख देना है dq के जगह du, -5q + c, सॉल्व करिए इसको क्या आ जाएगा, 6 इनटू यू का पावर -2 + 1 - 2 + 1 - 5q + c, और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, -2 + 1 क्या होगा, तो -1 यू का पावर -1 - 5q + c, तो -6 u/1 हो जाएगा, नीचे आएगा ये तो -5q + c। तो अब हमने उसको बोला टोटल रेवेन्यू बराबर इतना, लेकिन जैसे ही बोल रहे हैं तो थोड़ा डबल आवाज में बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट हम लोग स्पेसिफाई अभी तक नहीं किए, उसको टहला रहे हैं कि यहाँ पे सी लगा दिए, अब वो परेशान हो तो भी उसे याद है, बोलेगा पहले सी का वैल्यू निकालो तब एग्जैक्ट हमको टीआर का वैल्यू बताओ, तो अब एग्जैक्ट सी का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो हम लोग जानते हैं कि एट क्यू बराबर जीरो हमारा सीआर जो टीआर जो होता है सॉरी वो क्या होता है, जीरो के बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे एट क्यू बराबर जीरो tr is equal to 0, so ये 0 कब होगा, जब उधर q के जगह 0 आ जाए, और इसको एक स्टेप और कर लीजिएगा, -6 u हमने किसे माना था, तो q plus 2 को माना था, तो u के जगह q plus 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, तो ये कब 0 होगा, जब q का वैल्यू 0 हो जाए, तो हम इधर tr के जगह 0 रखते हैं, -6 u/2 that is 2, -5 × 0 0 ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो -3 + c, और c का वैल्यू यहां से क्या आ गया 3, अब टाइम के उसको क्या बोलेंगे, लो अब तुम खुश रहो क्या, tr बराबर -6 q + 2 -5 q + 3, उसको हमने टाइम के बता दिया कि अब हम दे दिए, अब हमको p का वैल्यू निकालो, तो वो बोलेगा ठीक है, हम लोग तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि tr बराबर p × q होता है, और p का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, तो 1/q of tr, वो भी बोलेगा चलो हम तुरंत बना के दे देते हैं, अब वो सॉल्व करेगा इसको कैसे, तो देखिए p बराबर 1/q, tr का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -6 / q + 2
और हमने क्या बोला था, कांस्टेंट के साथ एलसीएम लेना है, जिसमें क्यू पहले से ही रहे उसको छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि क्यू कॉमन आ ही जाएगा, कट जाएगा, तो वो आपको तंग नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को इधर कर देते हैं, उसके साथ एलसीएम लेते हैं, किसका, इसके -6 वाले के साथ, तो नीचे में क्यू प्लस 2 आ जाएगा, -6 प्लस 3 इंटू क्यू प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा -5q, पी बराबर 1/q -6 प्लस 3q प्लस 6 बाई क्यू प्लस 2 -5q होगा ये। और हम लोग पी बराबर क्या लिखेंगे, तो 1/q इंटू -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, 3q बाय क्यू प्लस 2 -5q। अब देखिए यहां से ऊपर में से क्यू कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्यू है, यहां भी है, यहां भी है, तो हम लोग क्या करते हैं क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू बाय क्यू यहां क्या बच जाएगा, क्यू बाहर जाएगा, तो क्यू बाय 3 बाय क्यू प्लस 2 -5, ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 बाय क्यू प्लस 2 -5। तो हमारा प्रूव हो गया। बस स्टेप याद रखना, स्टेप वही है क्या, पहले PR का अपने मन में सोचना, P बराबर TR by Q, अब TR निकालना, सो लाइट कट गया तो बंद करना पड़ेगा मजबूरी में, बट आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।